Assalamu alaikum dear students, welcome to yet another botany class. देखिए आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट्स फ्रॉम एनाटॉमी, जो आपका थर्ड यूनिट में स्टार्टिंग से ही है. एनाटॉमी का मतलब है व्हेन वी स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट, कि प्लांट के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें सेल्स कैसे होती हैं, टिश्यूज कैसे होते हैं, उनका स्ट्रक्चर और उनका फंक्शन कैसा होता है. तो ऑल दीज थिंग्स कम अंडर द स्टडी विच इज कॉल्ड एज एनाटॉमी. नाउ जब हम प्लांट्स की बात करते हैं, एवरी ऑर्गेनिज्म, जिस तरह से ह्यूमन या एनिमल्स की बॉडी जो होती है दैट्स मेड अप ऑफ सेल्स, दैट्स मेड अप ऑफ टिश्यूज, एंड एवरी सेल और एवरी टिश्यू परफॉर्म्स इट इज स्पेसिफिक फंक्शन एंड हैव स्पेसिफिक स्ट्रक्चर. उसी तरह से चूंकि प्लांट्स जो हैं दे आर ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर बॉडी इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल्स एंड मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज, राइट. तो every type of tissue is made up of cells, right? And they have specific functions. तो जब हम टिश्यू की बात करते हैं, right? It was basically N. Greve in 1682. N. Greve in 1682, who gave the name टिश्यू, जिसने टिश्यू का जो है नाम कॉइन किया. द नेम टिश्यू वॉज कॉइंड बाय एन ग्रीव इन 1682. नाउ जब हम टिश्यू को डिफाइन करते हैं कि भाई टिश्यू होता क्या है, व्हाट इज टिश्यू, टिश्यू को हम डिफाइन करते हैं दैट इट इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर और dissimilar cells having same function and origin. This is how we define a tissue, कि जब बहुत सारी cells आपस में मिलकर एक group बनाती हैं और उन सेल्स का स्ट्रक्चर आपस में या तो सेम होता है या उनका स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन वो सारी सेल्स फंक्शन जो है सेम परफॉर्म करती हैं और उनका ओरिजिन जो होता है उस टिश्यू की सेल्स का जो ओरिजिन होता है वो सेम होता है. दैट्स व्हाई वी डिफाइन टिश्यू एज दैट टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स having same function. कि टिश्यू जो है ये ग्रुप ऑफ सिमिलर, यानी कि सिमिलर का मतलब है सेम स्ट्रक्चर वाली सेल्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स और ग्रुप ऑफ डिसिमिलर सेल्स जिनका आपस में स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है, having same function, लेकिन उन सब का function जो होता है वो same होता है और इनका origin भी same होता है, तो हम इसको tissue कहते हैं. तो इस तरीके से एक प्लांट की बॉडी में बहुत किस्म के टिश्यूज होते हैं जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है और जिनका फंक्शन डिफरेंट होता है. जिस तरह से हमारी बॉडी जो है उसमें मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज या टिश्यू सिस्टम्स आपको मिलेंगे. आई में टिश्यूज होते हैं जिनका काम है देखना, नाक में टिश्यूज होते हैं जिनका काम है स्मेल करना, टंग जो है इज ए टिश्यू जिसका काम है टेस्ट करना, ईयर्स में टिश्यूज हैं जिसका काम है सुनना. तो हमारी बॉडी में जो है मुख्तलिफ किस्म के ये टिश्यूज मौजूद हैं जो स्पेसिफिक, जिनका स्ट्रक्चर है और स्पेसिफिक फंक्शन है. उसी तरह से प्लांट्स की बॉडी में भी ये टिश्यूज डिफरेंट होते हैं, दे परफॉर्म सो मेनी फंक्शंस. जैसे रूट में टिश्यूज होते हैं, दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एब्जॉर्बिंग वाटर. स्टेम में टिश्यूज होते हैं, दे परफॉर्म देयर ओन फंक्शंस. लीफ में जो है टिश्यूज होते हैं, दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो इस तरह से प्लांट की बॉडी में जो है मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज होते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं. जब हम ओवरऑल देखते हैं प्लांट्स की बॉडी में जो टिश्यूज किन किस्म के हैं, टाइप्स के हैं, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बोर्ड पर ड्रॉ किया हुआ है. तो प्लांट्स में जब हम टिश्यूज को कैटेगराइज करते हैं तो मेनली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टिश्यूज इन प्लांट्स. वन इज द मेरिस्टमेटिक टिश्यूज,
right? The cells which have the inherent power to divide, meristematic tissues, इनको हम आगे जाके डिटेल में भी पढ़ेंगे. Second type of tissue is permanent tissue. Permanent tissue are those tissue, the cells of which are mature. They have lost the power of division. They are now mature. They have undergone differentiation. So they are permanent tissue. Then we have secretory tissue. Secretory tissue jo hai, it is that type of tissue which perform the function of secretion, right? To secrete different types of materials or secondary metabolites. Those tissues are called as secretory tissues. As per your syllabus, we have to study meristematic tissues and the permanent tissues. Meristematic tissues can be further divided into, categorized into different types, which we will study after this. So we will keep it as such. Permanent tissues are further divided into two main types. One is simple permanent tissue. Simple permanent tissue is that type of permanent tissues where the cells have same structure and function. So they are called as simple permanent tissues. Permanent tissue is of second type. Second type of permanent tissue is that's called as complex permanent tissue. Complex permanent tissues are those permanent tissues which contain different structured cells, right? But they may perform the same function. So this tissue is made up of different types of cells which perform same function. They are called as complex permanent tissue, right? Simple permanent tissue can be further divided into three types. One is parenchyma, another is sclerenchyma, and third one is collenchyma. In the same way, complex permanent tissue can be divided into two types. One is xylem, which conducts water. Another is phloem, the tissue which conducts the food. So this is the overall picture of the different types of the tissues which are found in a plant, right? So let's first take the first type of the plant tissue that's called as meristematic tissue. So we will try to learn about meristematic tissues, right? And then we will move forward. Okay. The first type of tissue is meristematic tissue. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. देखिए, जब हम एक एम्ब्रियो देखते हैं, एम्ब्रियो इज अ स्मॉल प्लांट विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सीड. एम्ब्रियो की बॉडी जो होती है उसमें सारी सेल्स दे हैव द पावर टू डिवाइड. वो डिवाइड कर सकते हैं, वो डिवीजन शो कर सकते हैं. लेकिन जब ये एम्ब्रियो या सीड जर्मिनेट होता है और प्लांट, जब ये प्लांट में तब्दील हो जाता है, तो प्लांट की बॉडी जो है उसमें सब सेल्स, सारी सेल्स डिवाइड नहीं कर पाती हैं, बल्कि प्लांट में कुछ कुछ जगहों पर कुछ ऐसी सेल्स या टिश्यूज होते हैं जो डिवाइड करती हैं. बाकी जो प्लांट की बॉडी में सेल्स होती हैं, दे कैन नॉट डिवाइड. तो प्लांट्स में जो सेल्स, मेच्योर प्लांट्स में जो सेल्स डिवाइड करती हैं, राइट, दो सेल्स आर कॉल्ड एज मेरिस्टम्स और they are called as meristematic tissue or meristematic cells, right? So meristematic tissue or meristematic tissue is that type of tissue which is made up of those cells which have inherent capacity to divide. They continuously divide. Aur plant mein growth jo hoti hai, wo inhi ki wajah se hoti hai. What do we mean by growth? Growth means increase in the number of cells and the size of the cells. जब प्लांट की बॉडी में सेल्स की तादाद इंक्रीज हो जाती है और सेल्स का साइज इंक्रीज हो जाता है, तब हम उसको कहते हैं कि प्लांट की ग्रोथ हो गई. तो सेल्स को इंक्रीज करने का काम जो करती है वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स करती हैं या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज करती हैं. सो इन ए प्लांट ग्रोथ टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ दीज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और बिकॉज ऑफ दीज मेरिस्टेमेटिक सेल्स. The name meristematic tissue was given by Nageli. The name meristematic tissue was given by Nageli in 1858.
When we study about the characters of the meristematic cells or meristematic tissues, these cells are, they are small sized cells, right? इनका साइज सेल इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स का साइज ज्यादा बड़ा नहीं होता है, वो छोटा ही होता है. दे आर स्मॉल साइज्ड सेल्स. दे हैव थिन सेल वॉल, थिन सेल वॉल ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन. इनका सेलुलोज जो, इनका सेल वॉल जो होता है वो थिन होता है, एंड दैट्स मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन. जब हम इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स के साइज या शेप जो है जब हम वो करते हैं, देखते हैं, तो इनकी शेप जो है वो ओवल होती है या पॉलीगोनल होती है. सो दे मे बी ऑफ डिफरेंट शेप्स. दे मे बी ओवल शेप्ड, दे मे बी पॉलीगोनल इन शेप. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होती हैं, इनमें सेल्स जो होती हैं, दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड. Compactly arranged. तो meristematic tissue जो होते हैं उनमें cells जो होती हैं वो बहुत एक दूसरे के नजदीक मौजूद होती हैं. Compactly arranged. इसका मतलब है cells के बीच में intercellular spaces जो होती हैं, cells के बीच में जो जगह होती है, space होती है, उनको intercellular space कहा जाता है. मिसाल के तौर पर ये एक cell है, ये दूसरी cell है, ये तीसरी cell है, ये चौथी cell है. इसी तरह से एक टिश्यू में बहुत सारी सेल्स होती हैं. इन सेल्स के बीच में जो ये वाली खाली जगह है, जो ये खाली जगह होती है, इनको इंटरसेलुलर स्पेसेस कहा जाता है. नाउ मेरिस्टेमेटिक सेल जो हैं, ये कंपैक्टली अरेंज्ड होती हैं, बड़ी टाइटली होती हैं एक दूसरे के साथ अरेंज्ड. तो इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होती हैं वो बहुत कम होती हैं. तो दे आर कंपैक्टली अरेंज्ड and we can write that intercellular spaces are absent. इनमे intercellular spaces जो होती हैं वो absent होती हैं, right? इसी तरह से इनका nucleus जो होता है वो large होता है. Nucleus is large. इनका nucleus large होता है और cytoplasm जो होता है वो dense होता है या prominent होता है. इनका साइटोप्लाज्म डेंस होता है या इनका साइटोप्लाज्म प्रोमिनेंट होता है. दे कंटेन स्मॉल वोक्यूल्स. इनके सेल में जो छोटे छोटे वोक्यूल्स होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं. तो सेंट्रल वोक्यूल बड़ा सा इनमें नहीं होता है, बल्कि उसके बदले छोटे छोटे वोक्यूल्स इनमें मौजूद होते हैं. दीज सेल्स हैव नो रिजर्व फूड. एक बात जो आप याद रखेंगे कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स का काम है डिवाइड करना, उनका काम फूड को स्टोर करके रखना नहीं है, राइट? तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं, ये इनकी अंदर रिजर्व फूड मौजूद नहीं होता है. और मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्योंकि कंटिन्यूअसली डिवाइड करती हैं, ये मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव होती हैं, उसकी वजह से इनमें रेस्पिरेशन जो होती है वो बहुत फास्ट होती है. सो दे हैव ए वेरी फास्ट रेस्पिरेशन. This is about the characters of the meristematic tissues or meristematic cells. Now, meristematic cells can be categorized into different types, right? Number first, so types of meristematic cells. Number first, types of meristematic cells based on कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं. सो बेस्ड ऑन फंक्शन कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती हैं, उसके बुनियाद पर मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज हैं दे मे बी कैटेगराइज्ड इनटू फर्स्ट प्राइमरी मेरिस्टम. प्राइमरी मेरिस्टम आर दोज मेरिस्टम्स, राइट, विच अराइज फ्रॉम एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम. दे अराइज फ्रॉम एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम. ये एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम से, जो एम्ब्रियो में जो मेरिस्टम्स हैं, राइट,
जब इम्ब्रियो प्लांट में जर्मिनेट हो जाता है तो उस प्लांट में जो मेरिस्टमेटिक सेल्स रह जाती हैं उनको प्राइमरी मेरिस्टम कहा जाता है। तो प्राइमरी मेरिस्टम्स आर दोज मेरिस्टम्स विच अराइज फ्रॉम एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम, जो इम्ब्रियो के मेरिस्टम से अराइज होती हैं, राइट। प्राइमरी मेरिस्टम्स जो हैं दे गिव राइज टू प्राइमरी टिश्यूज इन प्राइमरी बॉडी ऑफ प्लांट। ये प्लांट जो इनिशियल होता है, जब प्लांट छोटा होता है उसकी बॉडी बड़ी सॉफ्ट होती है, उसमें सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, राइट। तो वो सॉफ्ट टिश्यूज जो हैं, वो प्राइमरी बॉडी के सॉफ्ट टिश्यूज जो होते हैं, दे अराइज फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टम, दे अराइज फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टम, राइट। इसी तरह से सेकेंड टाइप इज सेकेंडरी मेरिस्टम। सेकेंडरी मेरिस्टम, सेकेंडरी मेरिस्टम्स आर दोज मेरिस्टम्स विच अराइज फ्रॉम परमानेंट सेल्स, दे अराइज फ्रॉम परमानेंट टिश्यूज और परमानेंट सेल्स। प्लांट की बॉडी में जो परमानेंट सेल्स होती हैं, उन सेल्स में डिफरेंशिएशन होती है, उन सेल्स में की मेच्योरिटी खत्म हो जाती है और वो फिर से डिवाइड करना शुरू हो जाते हैं, तो दे गिव राइज टू सेकेंडरी मेरिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, जो वस्कुलर कैम्बियम है, वस्कुलर कैम्बियम या कॉर्क कैम्बियम जो है, दे आर सेकेंडरी मेरिस्टम्स, दे अराइज फ्रॉम परमानेंट टिश्यूज एंड दे आर प्रेजेंट एट द लेटरल साइड ऑफ द प्लांट, राइट, एंड दे गिव राइज टू द सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, और दे गिव राइज टू द वुड, दे इंक्रीज द गर्थ ऑफ द प्लांट। सो दीज आर द सेकेंडरी मेरिस्टम। सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ मेरिस्टम्स बेस्ड ऑन फंक्शन। इसी तरह से दूसरी कैटेगरी हम बना सकते हैं मेरिस्टम्स की बेस्ड ऑन पोजिशन, बेस्ड ऑन पोजिशन। बेस्ड ऑन पोजिशन का मतलब है कि प्लांट की बॉडी में मेरिस्टमेटिक सेल्स कहां पर मौजूद हैं, उसकी बुनियाद पर। फर्स्ट टाइप ऑफ मेरिस्टम इज दैट्स कॉल्ड एज एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम्स आर प्रेजेंट एट द टू एक्सट्रीम्स ऑफ द प्लांट। मिसाल के तौर पर ये एक प्लांट है, राइट, और प्लांट के एक उसके जो उसका जो ऊपर वाला टिप होता है जिसको शूट एपिकल कहा जाता है, शूट एपेक्स कहा जाता है। इसी तरह से जो उसके रूट का टिप होता है जिसको रूट एपेक्स कहा जाता है। ये दो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं इनमें प्लांट में, शूट एपेक्स और रूट एपेक्स। प्लांट में ज्यादातर जो है ग्रोथ इन्हीं दो मेरिस्टम्स की मदद से होती है। तो जो मेरिस्टम्स एपेक्स पर होते हैं, चाहे शूट के एपेक्स पर या रूट के एपेक्स पर, उसको हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टम। सो एपिकल मेरिस्टम इज प्रेजेंट ऑन एपेक्स, राइट, ऑफ द प्लांट। आप इसमें लिख सकते हैं शूट एपिकल मेरिस्टम, इसका एग्जांपल है, या आप इसमें लिख सकते हैं रूट एपिकल मेरिस्टम, रूट एपिकल मेरिस्टम। सो दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ मेरिस्टम, दैट्स एपिकल मेरिस्टम। सेकेंड इज इंटरकैलरी मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम्स आर दोज मेरिस्टम्स कि जब एपिकल मेरिस्टम्स ग्रो करते हैं, जब ये डिवाइड करते हैं, तो कुछ एपिकल मेरिस्टम्स जो हैं वो पीछे रह जाती हैं, परमानेंट टिश्यूज में फंस जाती हैं। तो दोज एपिकल मेरिस्टम सेल्स विच आर ट्रैप्ड और विच रिमेन बिहाइंड इन द परमानेंट टिश्यूज, दे आर कॉल्ड एज इंटरकैलरी मेरिस्टम्स। सो इंटरकैलरी मेरिस्टम्स आर, दे आर बेसिकली एपिकल, दे आर बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम एपिकल मेरिस्टम एंड लेफ्ट बिहाइंड इन द परमानेंट टिश्यू, एंड लेफ्ट बिहाइंड इन द परमानेंट टिश्यू। तो इंटरकैलरी मेरिस्टम्स एपिकल मेरिस्टम्स से बनती हैं, या ये एक टाइम पर ये एपिकल मेरिस्टम्स का हिस्सा होती थी, लेकिन एपिकल मेरिस्टम्स चूंकि आगे बढ़ गया और ये कुछ सेल्स पीछे रह गई और ये परमानेंट सेल्स में फंस गई, तो इनको इंटरकैलरी मेरिस्टम कहा जाता है। मिसाल के तौर पर दे आर प्रेजेंट एट द नोड्स एंड इंटरनोड्स, ये नोड्स और लीफ बेस,
इन ग्रासेस, ये नोड्स के पास होती हैं, इंटर नोड्स के पास होती हैं, या लीफ के बेस के पास होती हैं, इनको इंटरकैलरी मेरिस्टम कहा जाता है। इसी तरह से थर्ड टाइप बेस्ड ऑन द पोजिशन इज दैट्स कॉल्ड एज लेटरल मेरिस्टम। तीसरा टाइप जो है उसको लेटरल मेरिस्टम कहा जाता है। लेटरल मेरिस्टम्स आर दोज मेरिस्टम्स विच आर प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द प्लांट। जो प्लांट के लेटरल साइड में होती हैं उनको लेटरल मेरिस्टम कहा जाता है। इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हैं वस्कुलर कैम्बियम, क्योंकि वस्कुलर कैम्बियम साइड में प्रेजेंट होता है। इसी तरह से कॉर्क कैम्बियम भी साइड में प्रेजेंट होता है। तो वस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम प्लांट के साइड्स में प्रेजेंट होते हैं, इनकी वजह से प्लांट की गर्थ इंक्रीज होती है, तो इनको लेटरल मेरिस्टम कहा जाता है। तो ये हो गई दूसरी कैटेगरी मेरिस्टमेटिक सेल्स की बेस्ड ऑन पोजिशन, राइट। वन इज एपिकल मेरिस्टम, अनदर इज इंटरकैलरी मेरिस्टम, एंड थर्ड इज लेटरल मेरिस्टम। एंड इसी तरह से तीसरी कैटेगरी जो है हम मेरिस्टमेटिक सेल्स को डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन एक्टिविटी। बेस्ड ऑन एक्टिविटी, बेस्ड ऑन एक्टिविटी का मतलब है कि कौन सी मेरिस्टमेटिक सेल्स जो है प्लांट के किस हिस्से को बनाती हैं, उसके हिसाब से फर्स्ट टाइप इज दैट्स कॉल्ड एज प्रोकैम्बियम। प्रोकैम्बियम आर दोज मेरिस्टमेटिक सेल्स विच गिव राइज टू प्राइमरी वस्कुलर टिश्यू। दे गिव राइज टू प्राइमरी वस्कुलर टिश्यू। व्हाट इज प्राइमरी वस्कुलर टिश्यू? प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। तो प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम दे आर प्रेजेंट इन द प्राइमरी बॉडी ऑफ द प्लांट। जो प्लांट की इनिशियल बॉडी होती है उसमें प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम होते हैं। तो ये प्राइमरी वस्कुलर टिश्यूज आर दे अराइज फ्रॉम प्रोकैम्बियम। तो प्रोकैम्बियम गिव्स राइज टू प्राइमरी वस्कुलर टिश्यूज, राइट। इसी तरह से सेकेंड टाइप ऑफ मेरिस्टम बेस्ड ऑन द एक्टिविटी इज प्रोटोडर्म। प्रोटोडर्म आर दोज मेरिस्टमेटिक सेल्स विच गिव राइज टू एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस जो प्लांट के बाहर कवरिंग होती है, वो एपिडर्मिस अराइज होता है फ्रॉम मेरिस्टमेटिक सेल्स विच आर कॉल्ड एज प्रोटोडर्म। देन वी हैव ग्राउंड मेरिस्टम आर दोज मेरिस्टमेटिक सेल्स विच गिव राइज टू ग्राउंड टिश्यू। व्हाट आर ग्राउंड टिश्यू? कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पिथ एटस्ट्रा, दे आर कॉल्ड एज ग्राउंड टिश्यू। जो प्लांट की बॉडी के अंदर होते हैं, प्राइमरी बॉडी के अंदर होते हैं, तो ये टिश्यूज जो है दे अराइज फ्रॉम ग्राउंड मेरिस्टम, राइट। सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ द मेरिस्टमेटिक सेल्स बेस्ड ऑन एक्टिविटी, राइट। प्रोकैम्बियम विच गिव्स राइज टू प्राइमरी वस्कुलर टिश्यूज, प्रोटोडर्म विच गिव्स राइज टू एपिडर्मिस, ग्राउंड मेरिस्टम विच गिव्स राइज टू ग्राउंड टिश्यूज। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेरिस्टमेटिक टिश्यू, राइट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टडी अबाउट द परमानेंट टिश्यूज। थैंक यू वेरी मच।